बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्क्रीन पे जो आप लेटर देख रहे हैं वो ट्रेनिंग के शेड्यूल के हवाले से है। ये 10 तारीख 5वां महीना 2023 का लेटर है और ये लेटर लिखा गया है एडिशनल आईजी कराची रेंज को और लिखा गया है डीआईजी ट्रेनिंग की तरफ से। इसका जो सब्जेक्ट है वो है सीट्स एलोकेशन फॉर डेप्यूटेशन एट रिक्रूट कोर्स। उसके आगे नीचे इन्होंने ऑर्डर का हवाला दिया गया है। उसके बाद लिखा है ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव इट इज़ सबमिटेड दैट द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ सीट्स फॉर न्यूली अपॉइंटेड रिक्रूट कॉन्स्टेबल मैन एंड फीमेल एंड ड्राइवर कॉन्स्टेबल आर हेयर बाय एलोकेटेड फॉर रिक्रूट कोर्स विच इज़ टू बी कमेंस फ्रॉम 24/5/2023 एट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंशन बिलो। तो 24 तारीख से जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, इन्होंने नीचे ट्रेनिंग सेंटर के नाम लिखे हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले है सईदाबाद कराची का जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो शायद है ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 450 हैं जो फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं और 477 जो हैं मेल कांस्टेबल के लिए हैं और 33 ड्राइवर कांस्टेबल के लिए हैं। टोटल जो सईदाबाद में जो सीट्स हैं 960 सीट्स हैं ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद शहदादपुर है, इसमें 272 फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं और 478 मेल कांस्टेबल के लिए हैं। इनकी जो टोटल सीट्स हैं वो 750 हैं। इसके अलावा पीटीएस लाड़काना है, इसके बाद एससीटीसी सकरंड है, आरटीसी खैरपुर है और आरटीसी हैदराबाद है। तो टोटल जो सीट्स हैं सब सेंटर की मिलाकर 3810 हैं। जो फीमेल कांस्टेबल हैं जो न्यू अपॉइंट हुई हैं उनमें से 450 जो फीमेल्स हैं वो सईदाबाद कराची में ट्रेनिंग करेंगी। अगर उससे ज़्यादा हैं जो ऊपर एक्स्ट्रा हैं तो बाकी जो सीट्स हैं 272 सीट्स हैं वो शहदादपुर में अवेलेबल हैं, एलोकेट हैं। तो अब टोटल जो फीमेल कांस्टेबल थी अगर इतनी हैं तो आधी यहाँ सईदाबाद में रहेंगी और कुछ शहदादपुर में जाएंगी। इसके अलावा जो ड्राइवर कांस्टेबल हैं वो सारे कराची सईदाबाद में ट्रेनिंग करेंगे, बाकी जो मेल कांस्टेबल हैं वो अलग अलग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सईदाबाद में इतनी स्पेस नहीं है कि तमाम ट्रेनीज़ यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकें। तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग आपको इंटीरियर सिंध में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि आपका नाम कहाँ पर आएगा, आप अगर कराची में करना चाहें या शहदादपुर में करना चाहें तो नाम कैसे डालेंगे। तो आप लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग नाम नहीं डलवा सकते, ये KPO से खुद लिस्टें बनेंगी। आप लोग का नाम जहाँ पर आएगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अगर किसी की कोर्स है, किसी की जान पहचान है तो वो अपनी मर्ज़ी से KPO में सेटिंग करवा कर अपना नाम डलवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के सेंटर में, अगर कोई जानने वाला है उनका KPO में तो। इसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है द सिलेक्टेड रिक्रूट कांस्टेबल मेल एंड फीमेल एंड ड्राइवर कांस्टेबल ऑफ योर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स में प्लीज़ बी डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट अबव मैंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन 21 May 2023 टू 23 May 2023। दे मे आल्सो बी डायरेक्टेड टू ब्रिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड COVID-19 वैक्सीनेशन कम्प्लीशन सर्टिफिकेट इशूड बाई नादरा एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आप लोगों को रिपोर्ट करने का कहा गया है 21/5/2023 से 23/5/2023 तक। तो आप लोगों ने साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना है और वैक्सीनेशन कार्ड लेकर जाना है, जो नादरा से सर्टिफिकेट बनता है वैक्सीनेशन COVID-19 का। तो इसके अलावा आप लोग अपनी पिक्चर्स जो हैं पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर भी ले जाना, 4-5 ले जाना साथ, और अपना ओरिजिनल NIC ले कर जाना साथ। इसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है ऑल ट्रेनीज में आल्सो बी इशूड किट आर्टिकल्स एंड डायरेक्टेड टू ब्रिंग द बेडिंग बिस्तर तकिया और चादर एंड अदर फॉलोइंग नेसेसरी आइटम्स विद देम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आप लोगों को जो किट आर्टिकल सामान जो मिलेगा वो, और इसके अलावा बिस्तर तकिया और चादर आप लोगों ने ज्वाइनिंग के टाइम पर लेकर आनी है। नीचे इन्होंने आर्टिकल्स और बताए हैं क्या क्या आप साथ लेकर आ सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे इन्होंने लिखा है यूनिफॉर्म 2 सेट, सेकंड पे है ट्रैक सूट, फिर है जॉगर्स, फिर है ब्लैक सैंडल, फिर लॉन्ग बूट, फिर है शेविंग किट्स, नंबर 7 में बेडिंग है जिसमें बिस्तर तकिया और चादर है, 8 पर है टूथब्रश और टूथपेस्ट, और 9 पे है पेन ब्लू या ब्लैक, इसके बाद है स्मॉल रजिस्टर, फिर है स्लीपर, फिर नंबर 12 पे प्लेन क्लोथ्स वाइट। आप लोगों ने मतलब एक वाइट शलवार कमीज़ जो है उन वो लेकर जाने हैं साथ। इसके बाद नंबर 13 पे है टी शर्ट है, 14 में नेल कटर है, फिर है नीडल एंड थ्रेड सुई धागा, फिर इसके बाद जिना कैप है, फिर बूट पॉलिश एंड ब्रश ब्लैक कलर का, फिर किट बैग है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल CNIC अलॉन्ग विथ 2 फोटोकॉपीज, उसके बाद है वाटर बोतल, फिर मॉस्किटो नेट, लास्ट में है फेस मास्क एंड सैनिटाइज़र।
उसके बाद लास्ट में उन्होंने लिखा है नोट में, लेट अराइवल विल नॉट बी इंटरटेंट फॉर द कोर्स। तो लेट जो आएंगे उनको कोर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा या इंटरटेन नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये जो सामान है ये आप लोगों ने देख लिया, ये आप लोग अपने पास रख लें जब आप लोग आमद कराने जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग देने जाएंगे, तो ये चीज़ें आप साथ लेकर जाना, ये आपका ज़रूरी सामान है। तो वहाँ पे चारपाई जो है अवेलेबल होती है, आप लोग को सिर्फ चादर, तकिया और अगर ऊपर लेने के लिए अगर मौसम ठंडा हुआ तो साथ या ब्लैंकेट या चादर अपने साथ लेके जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो आप लोग के लिए ज़रूरी होगी। तो आप लोग अपने साथ मेडिसिन लाजमी रख लेना, क्योंकि मेडिसिन वहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। मेडिसिन अपने पास रख लेना, क्योंकि रात को अगर तबीयत ख़राब होती है तो बंदा ले सकता है। तो बाकी क्लिनिक वगैरह होते हैं, लेकिन अपने साथ एहतियाती आप लोग रख लेना। इसके अलावा कैल्शियम की टैबलेट्स या कैल्सी वगैरह, जो गर्मी में वहाँ पर अभी गर्मी का मौसम है, तो आप अपने साथ कैल्शियम या कैल्सी वगैरह की पैकेट वो भी अपने साथ रख लेना। इसके अलावा कुछ लोग कैंटीन का खाना खाएंगे वहाँ पर, मैस का खाना, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं आता वहाँ पे। तो जो कैंटीन का खाना खाएगा तो उसको अच्छा खासा खर्चा होता है वहाँ पे, अपने साथ पैसे लाजमी लेकर जाएं। ये सबको पता है कि आप लोग की सैलरी अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आप लोग को शुरू में वहाँ पर खर्चा लाजमी करना पड़ेगा। तो इस आने जाने का किराया भी आप लोग के पास होना चाहिए, तो पैसे आप लोग लाजमी जेब में रख के लेके जाना। अगर किसी के पास वो छोटे पंखे जो हैं वो अगर हैं तो साथ ले जाएं वहाँ पे, अपनी चारपाई के पास लगा लें, क्योंकि गर्मी इतनी है तो वहाँ पर आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है लाइट भी जाती हो, तो आप लोग चार्जिंग फ़ैन जो होते हैं वो जो बिजली और चार्जिंग दोनों से चलते हैं, तो वो अपने साथ ले जाएँ, सिर्फ गर्मी के लिए ले जाएँ, बाकी बाद में कुछ 2-3 महीने बाद मौसम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी जो जूते होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं, अगर लाइट हाउस से आप अपने लिए ले लें 400-500 के, तो उसमें आप लोग को ट्रेनिंग आसान हो जाएगी। होते सेम ही हैं, लेकिन ये है कि आप लोग को जो ट्रेनिंग जो सरकारी जो मिलेंगे वो भारी बहुत होते हैं, सख्त होते हैं। जो आप लाइट हाउस वगैरह से लेंगे, इधर उधर जो भी मार्केट आपके करीब है, तो उससे लाइट से हल्के से बनवा लें तो वो आप लोग के काम आएँगे। बाकी जो सरकारी तौर पर जो पेटी मिलती है वो पेटी अपने साथ लेकर जाएं, जिसमें आप लोग अपना वहाँ पे सामान सेफ रखेंगे, उस पर ताला लगाएं। इसके अलावा एक बैग होगा, जो इसमें जैसे बैग लिखा गया है किट बैग, तो वो अपने साथ आप लेकर आने, स्कूल बैग जैसे टाइप के होते हैं, तो ताकि जब आप वापसी नाइट पास पे जाएं तो आते हुए अपने जो कपड़े आपके गंदे हैं या ज़रूरी सामान जो घर लेकर आना हो वो आते जाते लेकर आएँ उस बैग में। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपसे मैंने शेयर की हैं। बाकी अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानी करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।